प्रदेश के रामपुर में बढ़ती ठंड के चलते निरंतर कोहरे में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण परिवहन तंत्र और यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम विजिबिलिटी के कारण रोजाना ना जाने कितने सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे ही एक सड़क हादसा प्रकाश में आया है, जिसमें कार सवार 6 लोगों में से 3 की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र का है, जहां से ग्राम सिफानी थाना शाहबाद के 6 लोग कार में सवार होकर बड़ा मिल्क थाना कैमरिक में लगे उर्स को देखने जा रहे थे कि तभी अचानक के सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में, जिसमें लड़कियां भरी थी, कि तेज रफ्तार कार पीछे से जा घुसी, जिसके चलते मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मरने वालों में हबीब इजराइल थे, वहीं परवीन सलीम, अनस और इशरत गंभीर रूप से घायल थे। मौके पर पुलिस की मदद से एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने हबीब, परवीन और इजराइल को मृत घोषित कर दिया। वहीं बचे हुए सभी घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। ये पटवाई के पास एक्सीडेंट हुआ है, 5 लोग इंजर्ड हुए थे, 3 तो ब्रॉडहेड आए हैं, एक जो अभी लेडी है वो भी बहुत सीरियस है, उसका भी बहुत मुश्किल है बचना, चोट बहुत गंभीर है उसकी। और ये बच्चा एक और है, वो ठीक लग रहा है अभी। आपने जो ट्रीटमेंट, बच्चा तो अभी ठीक है, दूसरे का भी ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन से सब लगते हैं, बाकी उसकी सीवियर हेड इंजरी है, पल्स उसकी बहुत खराब है, उसकी उम्मीद जरा सा कम है। क्या नाम है? पैर ठीक है, उसके पैर ठीक है।